जो अभी हम लोग का अलर्ट जगह जगह देखा गया है, मोदी सरकार का विरोध सीमा पार होना, फिर मोदी सरकार का रिपीट हो जाना, बौखलाहट तो बढ़ेगी क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि मोदी सरकार में ही उसने सर्जिकल स्ट्राइक देखी है, उसने एयर स्ट्राइक देखी है और अब ऐसी जो एक्शंस हैं वो रिपीट हो सकते हैं। इसी की बौखलाहट के देश के अलग अलग हिस्सों में अब आतंकी हमलों को लेकर अलर्ट है, आतंकी हमला कर सकते हैं। मेजर शाह जी, देखिए आतंकी जो है उनको अभी आगे शामिल कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं, उनको उम्मीद कर रहे हैं कि हम शायद उनपे एक जवाबी कार्रवाई करेंगे जो कि हो भी सकती है बिल्कुल। तो वो अभी डरे हुए हैं, तो अभी इस टाइम पे मुझे लग नहीं रहा कि, लेकिन फिर भी हमको अपना गार्ड नीचे नहीं कर देना चाहिए। हमको कोई भी, हम तो सिक्योरिटी अलर्ट पे, हाई अलर्ट पे है डोडा डिस्ट्रिक्ट में, तो बिल्कुल वहां पे तो बंद घोषित किया है डोडा में। तो एक बार मैं खुद स्वयं डोडा में फंस गया था, वहां पे एक बंद हुआ था, एक मर्डर हुआ था, वहां पे फायरिंग हुई थी, तो वो लोग बहुत एक्टिव रहते हैं। तो यहाँ पर जो है रियासी पोनी वो इलाका, मैं वहां पे 2 साल रहा हूं, मैं अखनूर जिले में, वहां पे टाना सेक्टर में था, तो वहां पे खोनी कई मरतबा गया हूं मैं उस टाइम पे। तो ये पूरा इलाका जो है, यहाँ की जो जितने भी जो लोग अगर सपोर्ट भी करते थे उस टाइम 2003 की बात कर रहा हूँ मैं आपको, तो वो अब दुबई में बैठे होंगे। जाहिर सी बात है अगर घुसपैठ आते भी हैं तो उनको अकेले में वो सक्षम नहीं है। अब बात ऐसी है, ये बात इसमें बहुत मानने वाली है कि जो सस्पेक्ट आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट तो है वहां पे बिल्कुल है, तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के तहत हम किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, किसी को भी बिना वारंट के, किसी का भी हम तलाशी कर सकते हैं बिना वारंट के। तो ये लोग बचकर नहीं जाएंगे बिल्कुल। यहाँ पे ड्रोन सब कुछ हर जगह पे टीम वहां पहुंची पहुंची हुई है। जो हमको इनकी जो लॉन्च पैड्स हैं सर्जिकल स्ट्राइक में, लॉन्च पैड्स पे अगर हम सर्जिकल स्ट्राइक का करते भी हैं तो लॉन्च पैड्स को बर्बाद करना पड़ेगा, और जिस तरीके से जो पोस्ट उनकी मदद करती हैं क्रॉसओवर में, वो यानी पोस्ट हमको आतंकियों के साथ बर्बाद करनी साथ पड़ेगी। आतंकियों की जड़ का भी सफाया होना जरूरी है। मेजर शाह, यूके देवनाथ, बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखने के लिए।